आज की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ा ही मनोरम और भव्य दृश्य है, देख रहे हैं। पूरा ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड उमर चुका है और केदारनाथ बाबा की डोली ये आज सुबह से फिर से स्टार्ट हो गई है। आइए चलिए चलते हैं साथ में। उत्सव का माहौल है, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या औरत क्या आदमी, सब ऐसा लग रहा है कि उनके घर का कोई पर्व त्यौहार है। सब लोग आ चुके हैं, काफ़ी भव्य माहौल है। यह एक दुनिया का अलग ही उत्सव है और आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। इस बार तो आप मिस कर गए हैं, लेकिन अगले साल आप ज़रूर आइए जब डोली नीचे से जाती है बाबा की और ऊपर। चार दिन का ये सफ़र है, अलग अलग गांव से अलग अलग जगहों से होते हुए गुजरते हुए ये डोली पहुंचेगी 6 तारीख को सुबह में केदारनाथ मंदिर में। अपनी ज़िंदगी में उनको मतलब इतने इतने अच्छे से और इतने दिल से मायने रखते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट होते हैं, अपने बड़े बड़े फैसले लेते हैं अपनी ज़िंदगी के इस आस्था की वजह से। तो मैं वो देखने के लिए आया हूँ और वो थॉट प्रोसेस क्या है वो समझने के लिए आया हूँ। मैं एक्साइटेड, मतलब मेरा एक्साइटमेंट लेवल कुछ नेक्स्ट लेवल चल रहा है अभी। आपने मेरा एक्साइटमेंट लेवल थ्रू आउट देखा ही होगा कि मैं किस तरीके से बोलते ना एनर्जी के साथ मैं सब कुछ शूट कर रहा हूँ, सब कुछ सबसे मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ बैठ गई है, लेकिन मैं फिर भी अभी बोलते ना मैं उस उतने लेवल में खुश हूँ, मतलब इस तरीके से। यहाँ पे बाबा तेरे चरणों की गरी धूल जो मिल जाए, गरी धूल जो मिल जाए। ये डोली की यात्रा कई गांवों से होते हुए आखिरकार मंदिर पर पहुंचता है, लेकिन उसके पहले कम से कम 4 दिन का ये सफ़र है इस बार का। कोविड के कारण पिछले 2 साल से
ये डोली यात्रा नहीं निकली थी, लेकिन इस बार काफ़ी धूमधाम से और पुराने रास्ते से, यानी कि जिन रास्तों पे पहले लोग ये डोली जाती थी उन रास्तों से होते हुए, और ये भीड़ जो देख रहे हैं इसमें केवल स्थानीय ही नहीं पूरे देश विदेश से लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये एक अलग ही माहौल है और इस माहौल को नज़दीक से देखना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, जिसको लेकर के काफ़ी उत्सुकता और उत्साह का माहौल रहता है। और इस बार ये यात्रा निकली है तो सभी के चेहरे पे खुशी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि इसमें जो सेना का जो भी बटालियन वहाँ पे तैनात रहता है वो बटालियन गार्ड ऑफ ऑनर कहें, सलामी के साथ सेना के बैंड के साथ इस यात्रा को साथ में लेकर के चलता है, और पूरे जो जो गांव के रास्ते बीच में है सभी लोग उत्साहित रहते हैं। आज की यात्रा अब अपने गंतव्य स्थल की तरफ पहुंच रही है, और ये जो नीचे देख रहे हैं मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी एक उत्तराखंड की कह सकते हैं कि मुख्य धारा है, और इन्हीं के बीच से होता हुआ ये यात्रा अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। और इस यात्रा में क्या गांव और क्या शहर, सबके जुबान पर एक ही बात होती है, हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। ये चीज़ को फील करूँगा, पर अब जब ये फील कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि केदारनाथ अब दूर नहीं है, चंद कदमों की दूरी पर है। जय बोले कर यात्रा आज ऊखी मठ पहुँच चुकी है, और ये ऊखी मठ का बीच का ये बाज़ार है। और आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप पर्यटक बन कर के जा रहे हैं बाहर से, देश के किसी भी कोने से, तो उत्तराखंड देवभूमि में सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। जो भी आप प्लास्टिक या कुछ भी लेके जा रहे हैं तो प्रयास ये करें कि जैसे आप ले जा रहे हैं वैसे ही उसे वापस लेके आएं, या कहीं कूड़े का कोई कचरे का डब्बा हो तो उसमें डालें, क्योंकि हमारे देवभूमि की सफाई और सुरक्षा का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जहाँ हर कुछ आपको प्राकृतिक मिलेगा, प्राकृतिक वातावरण में सब कुछ है, तो इसको बचाए रखना हमारा कर्तव्य बनता है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। भोले बाबा रक्षा करी तू आहाते ऊंचा कैलाश, जय जय हिमालय आहाते ऊंचा कैलाश।